सारी लाइट्स कंप्लीट हो चुकी है, हमने एलईडी स्ट्रिप लाइट भी लगा दी और हमारे जो पैनल है वो भी हमने लगा दिया है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्रेकलेस अनबॉक्सिंग। तो आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने जा रहे हैं ग्रीन सर्फर कंपनी का SSR एलईडी पैनल का और एलईडी स्ट्रिप लाइट का। तो मैं इसका आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन और रिव्यू दूंगा और साथ में इसकी इंस्टॉलेशन भी दिखाएंगे हम आपको, इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो हम अपना रूम का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, उसमें हमने ये एलईडी बाय किया है। तो अगर आप बाय करना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डाल दिया, वहाँ से आप इजीली बाय कर सकते हो। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, ये है SSR पैनल। तो सबसे पहले ये सुशांत सिंह राजपूत है, जो उनकी याद में इन्होंने ये इसका नाम रखा है, SSR पैनल रखा है। और ये ग्रीन सर्फर कंपनी का है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, ये दो शेप में देखने को मिलेगा आपको, एक राउंड शेप देखने को मिलेगी और एक इसमें आपको स्क्वायर शेप देखने को मिलेगी। और इसमें आपको तीन कलर अवेलेबल है, वार्म व्हाइट कलर देखने को मिलेगा, एक नेचुरल व्हाइट कलर देखने को मिलेगा और एक कूल व्हाइट कलर देखने को मिलेगा। और इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको 4 डिफरेंट वोल्टेज में आपको देखने को मिलेगी है, एक 6 वोल्ट में मिलेगी आपको, एक 12 वोल्ट में, एक 15 वोल्ट में और एक 20 वोल्ट में। तो मैंने तो अभी ये 12 वोल्ट और 15 वोल्ट में बाय किया है, तो मैं अपने रूम में आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जो मेन आपको की फीचर आपको देखने को मिलेगा जो बॉक्स पे इसके मेंशन किए गए हैं। तो सबसे पहले तो इसका जो CRI रेटिंग इंडेक्स है वो 90 प्लस है, मतलब आपको कलर है जो वो बिल्कुल नेचुरल और रिच कलर देखने को मिलेंगे। और जो इसकी वारंटी आपको 2 साल की 100% वारंटी देखने को मिलेगी। और इसकी जो लाइफ इन्होंने कंपनी क्लेम करी है, इसके बॉक्स में मेंशन किया गया है कि 8 ईयर्स से प्लस आपको इसकी लाइफ देखने को मिलेगी। और इसमें जो आपको ब्राइटनेस देखने को मिलेगी वो 1200 लूमेंस की देखने मिलेगी, जो आपकी 12 वोट की है। और जो आपकी 15 वोट की लाइट है, इसमें आपको ब्राइटनेस देखने को मिलेगी 1520 लूमेंस की। और ये आपको देखने में काफ़ी स्लिम है, आपको इसमें ओपन करके दिखाता हूँ, जो अदर ब्रांड्स की आती है उसके कंपेयर करेंगे तो ये काफ़ी स्लिम डिज़ाइन में है, देख सकते हो। और इसका जो बॉडी का मटेरियल है, पॉलीकार्बोनेट का मटेरियल यूज़ किया गया है इसमें। और आपको जो है देख सकते हो, इसमें जो आपका सर्किट है ट्रांसपेरेंट सर्किट दिख रहा है आपको बिल्कुल ये। और इसमें एल्युमिनियम प्लेट का यूज़ किया गया, जो कि एज ए हीट सिंक काम करती है हमारी LEDs के लिए, जो कि क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मैंने ऑफ वाइट कलर में बाय किया, तो इसके जो कलर है वो बिल्कुल एग्जैक्ट ऑफ वाइट का ही, यानी कि आपको वॉम वाइट कलर देखने को मिलेगा। जो आपको कलर बाय कर रहे हो वही आपको एग्जैक्ट कलर देखने को मिलेगा। और जो इसकी वायर की क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड। और डिज़ाइन देख सकते हो, काफ़ी स्लिम डिज़ाइन है। तो आप देख सकते हो, ये आपकी जो नॉर्मल हमारी आती है, ये भी जाना माना ब्रांड है, इसका मैं नाम नहीं बताऊँगा। और जो हमारा ग्रीन सर्फर का SSR पैनल LED वाला, उसकी थिकनेस देख सकते हो आप। और ये भी आपका देख सकते हो, आपके सामने है कितनी इसकी स्लिम डिज़ाइन है और काफ़ी मतलब आपकी जगह भी कम लेगा ये। और एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स है, देख सकते हो आप ये कितनी ज़्यादा इसकी थिकनेस है। और इसकी थिकनेस देख सकते हो आप, आपके सामने ही है। और ये भी 15 वॉट का है और ये भी 15 वॉट का। जो ये ग्रीन सर्फर का SSR पैनल है, इसकी जो एनर्जी है ये भी काफ़ी कम कंज्यूम करता है, जो इसका फैक्ट दिया गया है इसके बैक पे, कि अगर आप इसको दिन में 3 घंटे भी चलाओगे तो ईयरली आपकी कॉस्ट करेगी 105 रुपीज़ की पर पैनल। तो जो आपका ये 12 वॉट का है, इसका तो 580 MRP है। और अगर आप ये 15 वॉट की बाय करोगे, इसका 700 MRP है। मतलब इस रेंज में और आपको इस क्वालिटी में आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है, तो मैं तो आपको कहूँगा कि आपको ये मस्ट रिकमेंड है कि ये बाय करना चाहिए। तो इसका लिंक मैंने नीचे डाल दिया, वहाँ से आप इजीली बाय कर सकते हो। तो हम चलते हैं, अब जो इसके LED स्ट्रिप लाइट है ये भी मैंने बाय किया। ये एक तो मैंने पिंक कलर में बाय किया और एक हमारे पास है वॉर्म वाइट कलर में बाय किया है, दो मैंने कलर बाय किए हैं। तो ये भी हमारा है जो 72 वॉट में है। और इसके साथ हमें एक 5 एम्पियर का ड्राइवर देखने को मिलता है, जिसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। एक बार मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो मैंने एक बार पहले भी LED स्ट्रिप लाइट का मैंने अनबॉक्सिंग की थी, उसके साथ तो हमें नॉर्मल चार्जर आते थे, वो मतलब कुछ टाइम के बाद ख़राब हो जाते हैं। तो उसके लिए इन्होंने स्पेशल ड्राइवर दिया है, आपको अलग से परचेज करना पड़ता है। मगर इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और बिल्ड क्वालिटी आपके सामने आप देख सकते हो, कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी है। और इसका 5 एम्पियर का मतलब आपको एक LED स्ट्रिप लाइट एक इसके साथ चलेगी। और इसका जो MRP है वो 1000 रुपीज़ है, इसका भी मैंने लिंक डाल दिया नीचे, वहाँ से आप इजीली बाय कर सकते हो। तो इसमें आपको RGB स्ट्रिप लाइट देखने को मिलेगी, अगर आपने सिंगल कलर में बाय करना है आप वो भी बाय कर सकते हो। और इसमें आपको डिफरेंट लाइट्स देखने को मिल जाती है, अगर आपने कोई और लाइट बाय करनी है तो वो भी अवेलेबल है। जो ग्रीन सर्फर की वेबसाइट है वो मैंने लिंक डाल दिया उनका, वहाँ से आप इजीली चेक कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं मैं अपने रूम में और इसको सारा को इंस्टॉल करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे लगता है ये। तो हम आ चुके हैं अपने रूम में। तो हमारा रूम ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि हमारी सीलिंग देख सकते हो आप, ये सीलिंग कंप्लीट हो गया है। तो अगर आप इसका पूरा रूम ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हो तो हमारे दूसरे चैनल पर देख सकते हो, ब्रेकलेस ब्लॉग पे, तो उसका लिंक ऊपर आ रहा है, यहाँ पे आप चैनल सब्सक्राइब करें और उसमें आपको पूरा ये हमारा ब्लॉग दिख जाएगा, जैसे हमने सीलिंग इसको तैयार किया पूरा। अभी पूरा ये बेडरूम तैयार होने वाला है, तो अभी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है यहाँ पे लाइटिंग का। तो हमने इलेक्ट्रिशियन बुला रखे हैं, यहाँ पे फेमस इलेक्ट्रिशियन है यहाँ के, कुलदीप कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो मतलब जाके जैसे आपकी बिल्डिंग का पूरा इलेक्ट्रिक का कॉन्ट्रैक्ट है वो सारा देखते हैं ये। तो इनसे हम जानकारी लेते हैं, इन्होंने पॉइंट्स छोड़ दिए थे यहाँ पे, पहले पॉइंट्स छोड़ के गए थे सारे, उसके हिसाब से हमने सीलिंग करवा ली थी यहाँ पे।
तो इनसे अब जानते हैं इन्होंने कनेक्टर लगाए हैं, क्या कि ये क्यों लगाते हैं ये पूछ लेते हैं इनसे एक बार। ये जी कनेक्टर लगाए हैं ये किस लिए लगाते हैं हम? ये कनेक्टर जो है लाइट को फिक्स करने के लिए लगाते हैं, ताकि लाइट का और तार का जो है आपस में कनेक्ट जो है सही रहे, स्पार्किंग ना हो। तो आप भी इसका कनेक्टर का यूज़ करें, आप सिंपल नॉर्मल टेप के साथ इसको बिल्कुल ना जोड़ें, क्योंकि कनेक्टर की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हमारी टेप लगाते हैं जो हम। तो इसके बाद मैं बता देता हूँ आपको जो हम लाइट्स यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक ये है ग्रीन सफ़र की लाइट है, ये तो मैंने ग्रीन सफ़र की लाइट बाय की है, या आप अगर बाय करना चाहते हो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप इजीली बाय कर सकते हो। एक 12 वोल्ट की बाय की है मैंने, और एक मैंने 15 वोल्ट की बाय की है। तो हम ये 15 वोल्ट की है हमारी कॉर्नर पर आएंगी, जो हमने दो इस कॉर्नर पर आएंगी, दो उस कॉर्नर पर आएंगी हमारी, और उसके बाद जो हमारी 12 वोल्ट की है वो हमारी सेंटर में और आएंगी और बैक पर आएंगी। और जो हमारा बीच में हमारी कोब लाइट है, इसमें हम वॉम वाइट ये लाइट का यूज़ करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो 72 वोट की लाइट है ये, तो ये हमारी सेंटर में घूमेगी, जो हमारा कोब हमने बनाया हुआ है यहाँ पे, इसमें सेंटर में घूमेगी हमारी ये वाली लाइट। और ये इसके साथ एक ड्राइवर आता है, इसको हमने सेपरेटली बाय करना पड़ता है, ये काफ़ी अच्छा है ये एज़ कम्पेयर टू हम जो नॉर्मल चार्जर लेके आते हैं इसका, जो हमारी एलईडी लाइट के साथ आता है उससे काफ़ी अच्छा है ये, देख सकते हो आप, ये बिल्ड क्वालिटी सी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और ये 5 एम्पियर का है आपका। तो हम इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर लेते हैं, तो सारी हम इसमें लाइट्स लगा के आपको फिर ब्लैंक करके बिल्कुल डार्क करके सारी लाइट्स लगा के दिखाएंगे आपको। पैनल तो लग चुके हैं, ये वाले हमारे जो एलईडी पैनल थे देख सकते हो सारे रूम में लग चुके हैं। तो हम इसके बाद जो हमारी एलईडी स्ट्रिप लाइट है ये हमारे कोब में लगाने वाले हैं, साथ में इसका ड्राइवर है, तो हम इसको इंस्टॉल करने वाले हैं हम। और ये भी ग्रीन सफर का ही है, तो इसको भी अगर आपने बाय करना है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से आप इजिली बाय कर सकते हो। तो इसको हम लगा लेते हैं। तो हम दो एलईडी स्ट्रिप लाइट लगाने वाले हैं, क्योंकि हमारा 40 फीट एरिया हमारा जो ऊपर है, तो इसमें हमारी दो स्ट्रिप लाइट लगने वाली है। तो ये हमने हमारी बॉम वाइट कलर में ये वाली जो दोनों बॉम हमारी है, एक तो हम लगा रहे हैं स्ट्रिप लाइट है जो हमारी देख सकते हो आप, और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। और साथ में इसका जो ड्राइवर है वो भी हमने लगा दिया, 5 एम्पियर का इसका ड्राइवर है, उससे हम एक लाइट कनेक्ट कर देंगे। वैसे दो लाइट कनेक्ट भी हो सकती हैं एक के साथ, मगर हम सेपरेटली दोनों के साथ दो कनेक्ट करेंगे। सारी लाइट्स कंप्लीट हो चुकी है, हमने एलईडी स्ट्रिप लाइट भी लगा दी और हमारे जो पैनल है वो भी हमने लगा दिया। तो एक बार मैं आपको सारी बिल्कुल लाइट्स ब्लैंक करके फिर दोबारा जला के दिखाता हूँ। तो लाइट्स ऑन कर दी जाए, तो ये देख सकते हो हमने सारी लाइट इंस्टॉल कर ली है, जो हमारा रूम ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप था वो कंप्लीट हो चुका है। तो देख सकते हो हमारी कोब लाइट भी आ चुकी है, और जो हमारी एलईडी सरफेस पैनल थे वो भी हमारे लग चुके हैं। तो हमने ये ग्रीन सफर के हमने एलईडी पैनल यूज़ किए हैं, और हमारी जो एलईडी स्ट्रिप लाइट है वो भी हमने इसी कंपनी की यूज़ की है। तो हम जानकारी ले लेते हैं थोड़ी, जो ये डेली लाइफ में लगाते हैं, मतलब इनका तो डेली रूटीन का यही काम है कि सारा इलेक्ट्रिक वर्क यही करते हैं, और एलईडी पैनल होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के वो भी ये फिट करते हैं। तो उसके मुकाबले हम जान लेते हैं कि इनको ये वाला जो एलईडी पैनल है ये कैसा लगा। ये पैनल जो है बाकी कंपनियों से काफ़ी अच्छा है, इसमें जो एलईडी है काफ़ी हाई क्वालिटी की और अच्छी लगी हुई है, और सुनिंग पैनल है ये बिल्कुल, और रोशनी जो है इसकी काफ़ी है, 12 वाट में जो है इसके 1200 जो है वो लुमिनस हैं, और काफ़ी अच्छी रोशनी है इसकी कंपनी है। जो और भी हम कंपनियों की लगाते हैं उससे जो है लाइट इसकी काफ़ी ब्राइट है, और जैसे कि कलर इसका कंपनी ने दिया है वही कम जो है कलर इसमें नज़र आ रहा है, नहीं तो बाकी कंपनियों का जैसे हम देखते हैं भाई वॉम वाइट कहते हैं, तो वो वॉम वाइट ना होकर डार्क वॉम वाइट हो जाता है, ऑफ वाइट जो है ना, ऑफ वाइट में जो आपने लिया है ये तो ऑफ वाइट में ही है। ये जो है वायर भी काफ़ी अच्छी, जो कनेक्शन के लिए वायर दी हुई है वो भी इसमें बहुत अच्छी दी हुई है, वो हमने देखा है, तो इसमें जो है काफ़ी हमें अच्छा लगा लगाने के लिए। इसमें जो है इसकी जो वायरिंग क्वालिटी है वो भी वायर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और इसमें जो ये चौक दी हुई है इसकी ड्राइवर दिया हुआ उसके अंदर है,
जो कि बहुत ही अच्छा और काफ़ी हाई क्वालिटी का लगा हुआ है। और इसमें जो मैंने पहले भी आपको बताया कि जो और कंपनियों में एलईडी यूज़ करते हैं लाइट के लिए, उससे इसकी एलईडी की क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी है। तो देख सकते हो आप ओवरऑल जो इसका हमें रेटिंग मिल रही है, जो मतलब डेली लाइफ में लगाते हैं लाइट्स, तो उससे काफ़ी अच्छी लाइट है ये। और इसका जो CRI रेटिंग इंडेक्स है वो भी 90+ है, मतलब जो आपकी लाइट है वो बिल्कुल कलर उसके प्रॉपर आएंगे। और जैसे हमने ऑफ वाइट कलर में बाय किया है तो बिल्कुल ऑफ वाइट कलर ही आ रहा है, यानी कि इसमें वॉम वाइट आपको दिखे, बिल्कुल ऑफ वाइट कलर ही आपको शो हो रहा है। तो ओवरऑल ये लाइट काफ़ी अच्छी हैं। तो ये थे हमारे साथ हमारे इलेक्ट्रिशियन कुलदीप जी। तो ये सारा मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस वर्कर हैं, क्योंकि ये कमर्शियल और प्राइवेट बिल्डिंग होते हैं, उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट यही देखते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी लाइट्स लगाई। थैंक यू। सो थैंक यू फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा होगा। अगर आप बाय करना चाहते हो, लिंक मैंने नीचे डाला हुआ है, वहाँ से आप इजीली बाय कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।